जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने अपने ही पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ असंतोष व्यक्त किया है। चौधरी ने नीतीश कुमार को दलित मुद्दों से ध्यान हटाने का आरोप लगाते हुए आगाह किया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बदसलूकी करती रहेगी। चौधरी ने एक अखबार को कहा है कि एक साल पहले बिहार में दलितों को छात्रवृत्ति मिलती थी, वो भी बंद कर दी गई, उसकी जगह पर ऋण योजना शुरू की है। ये नाइंसाफी है। अगर अनुसूचित जाति के लिए छात्रवृत्ति ना होती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। हमने नीतीश कुमार के महादलित वोटों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अब नीतीश उनके साथ नहीं है। अब वो दलित कल्याण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ दलित कल्याण योजनाएं भ्रष्टाचार से घिरी हुई हैं। सतर्कता विभाग ने दो मौजूदा और दो पूर्व ISS अफसरों पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।